हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल अर्चना डिजाइन पर स्वागत है। कैसे हो आप? लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यह वीडियो तो मेहंदी सीखने के लिए दबाया है। यहाँ पे ना कॉपी है, ना पेपर, ना पेंसिल। ये सब चीज़ें इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैं आपको मेहंदी अपने हाथों पर लगा के सिखाऊंगी। हाथों पर सिखाने का मेरा सिर्फ एक ही एम है, ताकि आप जो भी मेहंदी का पैटर्न सीखें, आपको पता हो कि वो मेहंदी का पैटर्न हमें कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है। हाँ, अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पेंसिल से उसको बनाना सीख लो कॉपी पे। उसके बाद ही आप मेहंदी को यूज़ करते हुए पूरा आप हाथों पे बनाओ। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि कोन कैसे बनता है। मेहंदी कोन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो सेल्फी पेपर होता है इस तरीके का, आपको कट कर लेना है। इसको आपको इस तरीके से कट करना है कि आपका जो एक साइड है छोटा कट हो और एक साइड लंबा कट हो, ठीक है। और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि आपका जो नीचे का जो हम पॉइंट निकाल रहे हैं उसको आपको फुल बंद नहीं करना है। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमारा पॉइंट बंद ना हो, थोड़ा सा खुला रहे, क्योंकि जब हम कोन में मेहंदी भरते हैं तो उसमें हवा भर जाता है। हवा भरने के कारण ही वहाँ पे मेहंदी फंस जाता है। इसीलिए आपको एकदम खास ध्यान रखना है कि कोन बनाते वक्त आपका पॉइंट खुला हो। इस तरीके से आपका कभी भी मेहंदी नहीं फंसेगा। इसके बाद ये याद रखिएगा, जब हम कोन भरेंगे ना, तो ये जो टेप हम लगा रहे, ठीक है हम टेप लगा लेंगे, लेकिन जो हमने पॉइंट खोला है उसको भी हमें टेप करना होगा होगा ताकि जब हम कोन भरे तो आगे से निकल ना पाए। ये तो हो गया कोन की बात। अब आपको अगर मेहंदी का पेस्ट कैसे बनता है ये आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट बताना, तो हम आपको बता देंगे कि मैंने मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाया है। तो देखिए मैं कितना मेहंदी गीला यूज़ करती हूँ, बस इससे अधिक मैं गीला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर वो बहने लगता है, और अगर ज़्यादा सूखा रहेगा तो फिर आपका टिकेगा नहीं, ज़्यादा जल्दी छूट जाएगा। देखिए मैं कैसे फिल करके इसको बंद करती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब देखिए इसको टेप कैसे करना है। आपको सबसे पहले एक बड़ा पीस टेप का लेना है और इस टेप को कट करके जो है कि जो आपका जो जो छोटा सेंटर साइड है वहाँ पे लगा देना है, और उसको प्रेस करके दबाना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर से हम एक और टेप लगाएंगे। जब हम दूसरा टेप लगा देंगे इसके ऊपर से, तब फिर हम जो है कि उसे हम प्रेस करके बंद करेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। अब ध्यान देना कि प्रेस करते वक्त मेहंदी बाहर ना आ जाए। जब ये बंद कर देंगे हम, फिर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए एक साइड से बंद करेंगे, और फिर उसके बाद इस तरीके से बंद करने बाद दूसरे साइड भी फोल्ड डबल बार करेंगे, और फिर बीच से सिंगल मोड़ के हम टेप लगा देंगे। ये देखिए हमारा कोन बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम चेक करते हैं। एक कोन में दो क्वालिटी होना चाहिए, पहला तो ये कि फंसना नहीं चाहिए, और दूसरा ये कि वो कोन जो है कि स्मूथ चले। तो फिर ये देख लीजिए कितना अच्छे से ये कोन चल रहा है। यहाँ पे मैंने सीधी सीधी लाइन खींची हुई है, कहीं से भी कट पीट या टूट फूट नहीं रहा है। यहाँ तक मैंने लगातार एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक लाइन बनाती गई, लेकिन इसने एक बार भी जवाब नहीं दिया और सीधी सीधी लाइन खींच दी। चलिए तो फिर आज हम पहला मेहंदी पैटर्न सीखते हैं। आज हम सबसे पहले फ्लावर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने एक सर्कल लेते हुए जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया है। इसको एकदम आराम से घुमाइए ताकि गोल गोल एकदम सीधा सीधा बने। उसके बाद आपको सर्कल, हाफ सर्कल लेते हुए फ्लावर का कली बनाना है, और यही को रिपीट करते हुए पूरा राउंड में कवर कर देना है। एकदम आराम से करिएगा, मेहंदी कभी भी जल्दीबाजी में मत लगाइएगा। एक तो पहले खराब बनेगा अलग, और अच्छा ना बनेगा अलग। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि कली बनाई थी मैंने,
उसी को ही रिपीट करते हुए मोटा कर दिया है ताकि वो रचने के बाद और अच्छे से लगे। आपको भी अपने हैंड पर आप ट्राई कर रहे हो तो वैसे ही आपको मोटा कर देना है। फिर उसके बाद मैं शेडेड भरूंगी, जो जो लोग क्या करते हैं कि घिचपिच कर देते हैं उसको, मतलब कि पीछे से आगे आगे से पीछे करते हैं, नहीं एक ही लय में ले जाना है, मतलब कि पीछे आगे नहीं करना है, वो अच्छा नहीं लगता है और वो सही भी नहीं है। शेड का यही है कि आगे से पीछे एक साइड में ही जाए आए, और इसको कवर इस तरीके से इसको हम पूरा फुल कवर कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, जब शेडेड भरिएगा तो कोन एकदम हल्का प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा तेज प्रेस मत करिएगा, नहीं तो शेडेड में भी मोटा कभी पतला आएगा। इसीलिए पहले शेडेड जो है बराबर से करिएगा, तभी वो अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको एक डिज़ाइन का रूप देने के लिए एक नॉर्मल लाइन लेते हुए सीधा ले जाते हुए घुमाऊँगी, उसके बाद सीधा लाइन लेते लेते तीन लाइन तक खींच दूंगी। अगर आपको मेहंदी कोन चलाने नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है कि पेंसिल से बनाइए, उसके बाद इस फ्लावर को कोन से बनाइएगा। फिर मैंने जो ये फ्लावर बनाया है उसी फ्लावर को रिपीट करूंगी उसी के ऊपर साइड में एक डिज़ाइन का रूप देने के लिए। जब यहाँ पे ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं और ऊपर जाऊँगी, देखिए कितना सुंदर लगेगा ये फ्लावर और लाइन का लेते हुए डिज़ाइन। मतलब कि इस फ्लावर को यूज़ करते हुए मैंने अपने चैनल में कई डिज़ाइन अपलोड किया है। अगर आपको ये फ्लावर से ये डिज़ाइन बनाने आ जाए तो आप उस डिज़ाइन को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका हाथ भी साफ हो बनाने में और आपको नई नई डिज़ाइन का नॉलेज भी हो सके। इसी डिज़ाइन को मैं उंगली के पास भी रिपीट करूंगी और उसी डिज़ाइन को और उंगली और ऊपर जाते हुए दूसरी उंगली के पास भी रिपीट करूंगी। उसके बाद ही हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइएगा आपको ये फ्लावर का पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया। और हाँ, यहाँ पे मेरा मेहंदी का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले मेहंदी के क्लास में। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आप इस तरह नए नए मेहंदी डिज़ाइन सीखते रहें।